कि फ्रेंड्स ये फ्राई हो चुकी है, प्याज ब्राउन हमारी हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे इसको। निकालने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको ये टिप बताऊंगी। फ्रेंड्स आज मैं आपको एक न्यू टिप दूंगी प्याज को लेकर। फ्रेंड्स कई बार हम कोरमा बनाते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हमें बहुत देर, सबसे ज़्यादा देर हमें प्याज ब्राउन करने में लग जाती है। तो मैं आज आपको ऐसी टिप बताऊँगी कि आप अगर आपके यहाँ गेस्ट आएंगे तो आप 15 मिनट में चिकन कोरमा या फिश कोरमा 5 मिनट में तैयार कर लेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ ये टिप। प्याज ब्राउन हो जाएगी तब मैं आपको ये टिप बताती हूँ। इधर हमारी प्याज ब्राउन हो गई। देखिए हमको इन्हें फैला के थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देना ठंडी करने के लिए। जब ठंडी हो जाएगी तब मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जो प्याज है ब्राउन को, इनको हमें ऐसे मैश करके अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है। देखिए अच्छे से मैश हो रही है हाथों से। देखिए इनको मैश करके हमें एक कंटेनर लेना है। हमने कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर में हम इसको भर के भरकर, ये देखिए भरकर हम इस कंटेनर को बंद करके हम इसे 2-3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब भी कोई गेस्ट आए फटाफट से चिकन कोरमा बनाए। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, आप भी यही टिप अपनाना। फ्रिज में से निकाला और 10 मिनट में कोरमा बना लिया।